गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम स्टार्ट करें इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बुक ओपन करो और इसके स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द सम टू एंड टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 से लेकर 7 तक। पहले 7 क्वेश्चन में हमने एस एन फाइंड करके दिखाना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। 3 × 1² + 5 × 2² + 7 × 3² + इस तरह से इसको करते जाओ। एस एन निकालना है, इस क्वेश्चन में भी एसएन निकालना है और फिफ्थ में भी एसएन निकालना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बेटा, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ओके, ये हमारी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो पहले आप क्या करेंगे, एनएच टर्म निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एनएच टर्म, और उसके बाद हम एस एन फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो ये 1 है, सेकेंड टर्म है तो 2² है, थर्ड टर्म है तो 3² है। अगर यहाँ पर एन एच टर्म है तो यहाँ पर एन स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में 1², सेकेंड टर्म में 2², थर्ड टर्म में 3², एन एच टर्म में एन स्क्वायर। अब ये देखना है कि इससे पहले वाली कौन सी टर्म है, यहाँ पर पहले हमको वो देखना होगा। देखो यहां क्या लिखा है, 3, यहां पर है 5, यहां पर है 7, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो क्या ये एपी सीरीज नहीं है? देखो तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। तो एनएच टर्म का ये फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस इज 2, और ये हम कैसे फाइंड करते थे, प्लस एन माइनस 1 × t। तो फर्स्ट टर्म इज 3, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n - 2, तो कितना बन गया, यहाँ से 2n, 3 में से 2 गया 1, तो a है, तो ये कितना बन गया, 2n + 1। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n + 1। ओके, 3, 5, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n + 1। सिंपल बेटा। चलो अब हमारे पास क्या बन गया, ये तो है ए एन, ए एन इज इक्वल 2n + 1 एन स्क्वायर। इस एन स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एन स्क्वायर को 2n से, 2n क्यों, एन स्क्वायर को 1 से, तो ये एन स्क्वायर हो गया, ए एन हो गया। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन। एस एन हम कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस करते जाओ, यहां पर क्या आ जाएगा, ए एन। क्लियर? चलो यहां से हमारे पास एस एन, एस एन इज इक्वल, अगर मैं यहां पर एन की जगह 1 लिख दूं तो वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। जैसे मैंने पहले दोनों क्वेश्चन करवाए थे पिछली वीडियो में, एन की जगह 1 कर दो, 2 1³ 1² ओके, प्लस सेकेंड टर्म एन की जगह 2 लिख दो, यहाँ 2n³ और यहाँ से 2² कंटिन्यू लाइक दिस, ए एन, एन ए की एक टर्म आ जाएगी, 2n³ + n² ओके। नेक्स्ट एस एन इज इक्वल, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सिलेक्ट कर लो, 2 × 1³ 2 × 2³ 2 × n³ 2 × 2³ और 2 × n³ प्लस हर ब्रैकेट में से सेकेंड टर्म सिलेक्ट कर लो, 1² 2² n² तो 1² 2² और यहां पर ये हमारे पास n² ओके। यहां से एस एन इज इक्वल, सभी के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसके अंदर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया तो 1³, यहां से 2³ और यहां से n³ ओके। नेक्स्ट ये एज इट इज, 1² +
टू स्क्वेयर और यहां से ये एन स्क्वेयर, क्लियर। एस एन इज इक्वल, यहां से फॉर्मूला यूज करो, वन क्यूब टू क्यूब एन क्यूब का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और ऊपर यहां पे होल स्क्वायर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है वन स्क्वेयर टू स्क्वायर एन स्क्वायर का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, क्लियर। फॉर्मूले वाला पेज निकालो, उसमें चेक कर लिए। एस एन इज इक्वल, कुछ कॉमन आ रहा है सभी में से, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले ले, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन, यहां से टू रह गया, इसकी वन पावर कॉमन आ गई तो वन पावर तो रहेगी, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन, तो यहाँ टू एन प्लस वन रह गया, नीचे से टू कॉमन तो यहाँ पे थ्री रह जाएगा, ओके। तो इस टू से टू कैंसिल तो यहाँ पे वन रह गया। एस एन इज इक्वल एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू टेकिंग एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा थ्री, थ्री को वन से डिवाइड किया, थ्री थ्री से मल्टीप्लाई तो ये थ्री एन हो जाएगा, थ्री एन से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन को वन के साथ तो ये थ्री एन बन गया, प्लस में थ्री को थ्री से डिवाइड कर दो वन, वन से मल्टीप्लाई कर दो तो टू एन प्लस वन हो जाएगा, ओके। एस एन इज इक्वल एन इन टू एन प्लस वन और यहाँ पे टू थ्री कितना हो गया सिक्स, यहाँ से थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन और टू एन फाइव एन और लास्ट में ये वन, दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। तो ये हमारे पास क्या बन गया एस एन, अगर मैं एन के लिए थ्री लिख दूं तो थ्री टर्म्स का टोटल आ जाएगा, अगर एन के लिए फोर लिख दे तो ये फोर टर्म का टोटल आ जाएगा, फिलहाल तो उसने एस एन बोला था, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्यूशन, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एनथ टर्म, तो कह रहे हैं कि एन टर्म्स का सम हमने फाइंड करके दिखाना है, तो पहले ए एन निकालेगा, ये हमारी होगी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, यहाँ थर्ड टर्म और यहाँ पर हमारी कौन सी हो जाएगी एनथ टर्म। एनथ टर्म में ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म में तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो वन है ही, तो यहाँ पर भी वन आएगा, फर्स्ट टर्म में तो वन, सेकेंड टर्म में तो टू, थर्ड टर्म में तो थ्री, एनथ टर्म में तो एन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर और एन के बाद क्या आ जाएगा एन प्लस वन, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अरे एक चीज ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये लिखा है जैसे वन बाय टू क्रॉस थ्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो यही आ जाएगा, पर शर्त यह है कि ये दोनों लगातार होने चाहिए, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, ऐसे, तो इसको आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा देखो टू इंटू थ्री, इसको इससे डिवाइड कर दो थ्री रह गया, थ्री को वन से थ्री, इसको इससे डिवाइड करो थ्री से थ्री कट गया, बाकी क्या रह गया टू, तो थ्री में से टू गया तो कितना आ गया वन, टू इंटू थ्री, यानी वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री इसके इक्वल होता है वन बाय टू इंटू थ्री। ऐसे ही अगर सपोज करो हमारे पास ये लिखा है कि जैसे यहाँ पर है फोर इंटू फाइव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव, पर शर्त यह है कि लगातार होना चाहिए, आप इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा फोर इंटू फाइव, इसको फोर से डिवाइड किया फाइव रह गया फाइव, इसको फाइव से डिवाइड करो फाइव कट गया फोर, फोर को वन से फोर, फाइव में से बन गया फोर, फोर इंटू फाइव, तो वन बाय फोर बाई का फोर इंटू फाइव भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास ये लिखा है वन बाय एन एन प्लस वन, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वन बाय एन वन बाय एन प्लस वन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही चीज मैं इसके अंदर यहाँ पे करता हूँ, देखो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, देखो वन बाय वन माइनस वन बाय टू, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री, इसको ऐसे लिख सकते हो वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर, कंटिन्यू लाइक दिस, तो
तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1। ओके, तो यहां पर ये 1 बाई 2 माइनस है, ये 1 बाई 2 प्लस है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। 1 बाई 3 कट गया, ये 1 बाई 4 अगली तरफ कट जाएगा। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म इसके साथ कटी है, ये टर्म इससे आगे कटी है, ये टर्म ठीक है नेक्स्ट में ये आगे कटी है, तो ऐसे ही आगे ये वाली टर्म नेक्स्ट के साथ कटेगी, ये वाली टर्म नेक्स्ट के साथ कटेगी, ये वाली टर्म इससे पीछे कट जाएगा, ये वाली टर्म होते तो अगली ब्रैकेट में कटते। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इधर से तो ये फर्स्ट टर्म रह जाएगी और इधर से ये लास्ट टर्म रह जाएगी और बाकी सारी टर्म कैंसिल हो गए। यहां से आप इधर एलसीएम ले लें तो कितना बन जाएगा, एन प्लस वन। ओके, इसको इससे डिवाइड करो, एन प्लस वन वन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस इसको इससे डिवाइड किया, वन वन से मल्टीप्लाई, ये वन प्लस का वन माइनस कट हो गया, तो न्यूमरेटर में कितना रह गया, एन ओवर एन प्लस वन। दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन का। यही कहना था ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस ये, तो ये सारा क्या बन गया था, एस एन बन गया था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो डा क्वेश्चन नंबर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, कह रहे हैं इन सारे टर्म्स का टोटल करके दिखाना है, ठीक है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप देखो बिल्कुल डिफरेंट है उस पिछले वाले से, इसको आप पहले सारा ऐसे के ऐसे लिख दो, देखो कुछ चेंज नहीं करना, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर कंटिन्यू 20 स्क्वायर। ओके, यही का यही लिखा। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कि इसके अंदर है ना, मैं ये नंबर ऐड कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैंने 4 तक प्लस कर दिया और 4 तक ही इसमें से माइनस कर देता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट 4 टर्म तो मैंने प्लस कर दी और फर्स्ट 4 टर्म ही इसके अंदर से माइनस कर दी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन और डिवाइड में कितना, 6। अब यहाँ पर हमारे पास एन कितना है, कितनी टर्म्स हैं टोटल, 20 टर्म्स है ना, तो एन कितना बन जाएगा, 20। तो क्या फॉर्मूला बन गया, देखो 20 इंटू 20 प्लस 1, यहाँ से 2 20 प्लस 1 और डिवाइड में कितना, 6। देखो एन की जगह मैंने 20 रख दिया, 20 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइड में 6। ऐसे आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, 4, तो यहाँ पर एन के लिए कितना पुट कर दोगे, 4, तो वही तो है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो यही तो फॉर्मूला लगेगा, तो एन की जगह 4, तो यहाँ क्या रहेगा, 4 4 प्लस 1, यहाँ से 2 4, तो यहाँ पे प्लस 1 और डिवाइड में कितना लिख देंगे, 6। ओके, तो एन की जगह 4 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से 20, इधर ये 21 हो गया, 220 40 41 हो गया, डिवाइड में कितना, 6। यहाँ से माइनस, इधर से 4 4 प्लस 1 5 2 4 8 8 और 1 9 और डिवाइड में कितना हमारे पास, 6। ओके, तो ये तो सारे मल्टीपल में है ना, कट हो जाएगा, देखो कितने पे कट हो रहा है, 3 7 21 3 2 6, 2 पर कट हो गया, तो ये 10। ऐसे यहाँ से देखो 3 3 9 3 2 6 2 2 4। ओके, तो चले नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 7 7 4 28 और 1 0 ये वाली माइनस, यहाँ से 2 5 10 10 3 30, तो इसमें से 30 माइनस कर दो, तो कितना आ जाए, 2 8 4 0। दिस इज आवर आंसर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।